क्लास से 12th एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 7.11 जो कि LMVT पर बेस्ड है, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। आपको कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, इनके लिए लग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं ये आपको चेक करना है। तो लग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कब एप्लीकेबल हो सकती है? जब इस इंटरवल पे जो आपको दे रखा है ए टू बी, जैसे इसमें दे रखा है, तो इस क्लोज्ड इंटरवल पे आपको ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो फंक्शन वो कंटिन्यूस होना चाहिए, और ओपन इंटरवल पे डिफरेंसेबल होना चाहिए। बस ये दो केस काफ़ी हैं, ठीक है। अगर ये दो केस सेटिस्फाई हो रहे हैं तो एप्लीकेबल है। आगे आपको सी वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, वो वेरीफाई के लिए करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी पूछिए, तो इसमें हमको बस ये दो केस चेक करने हैं। अगर ये कंटिन्यूस है और डिफरेंसेबल है जो आपको इंटरवल दे रखा है उस पर, तो ये जो फंक्शन है ये लग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगी। तो जो फर्स्ट फंक्शन आपको मिल रहा है उसमें एक कॉन्स्टेंट दे रखा आपको अल्फा, यानी ये जो फंक्शन है ये अल्फा कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है, और इंटरवल आपको दे रखा है ए टू बी। तो ये जो एफ एक्स इक्वल अल्फा दे रखा है, इसको अगर मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ये हो गया वाई एक्सेस और ये हो गया एक्स एक्सेस। यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल अल्फा, ये एफ एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई को। वाई इक्वल कॉन्स्टेंट यानी एक्स के पैरेलल एक लाइन जाएगी इस टाइप से, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है अल्फा, जीरो कोमा अल्फा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेकिन इसने इंटरवल और देखा ना ए टू बी। सपोज यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये एक्स इक्वल ए है, एक्स इक्वल ए, और ये पॉइंट एक्स इक्वल बी है, ठीक है। तो इस इंटरवल पे ये जो लाइन का कुछ पार्ट्स, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ पार्ट्स जो कि ए टू बी में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस भी है और कहीं भी पीक फॉर्मेशन नहीं आ रही, बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेबल भी है, और वैसे भी आपको पता होगा जो कॉन्स्टेंट फंक्शन होते हैं वो डिफरेंसेबल भी होते हैं और कंटिन्यूस भी होते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, जो कि आप तो चैप्टर 6 में पढ़ के आए हो डिफरेंसिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी वाले में। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, सिंस गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूस, सॉरी कॉन्स्टेंट फंक्शन, अगर आपको कॉन्स्टेंट फंक्शन दे रखा है तो आपको जो इंटरवल दे रखा है इस इंटरवल में ये क्या होगा, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस और ओपन में डिफरेंसेबल, ठीक है। तो क्या लिखें, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, ये जीरो नहीं ए है, एंड इट इज डिफरेंसेबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंटिन्यूस वाली भी डिफरेंसेबल वाली भी, है ना। तो ये कंटिन्यूस भी है डिफरेंसेबल भी है, तो इसका मतलब जो लग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। हेंस LMVT इज एप्लीकेबल, ओके। सेकंड, आपको फंक्शन क्या रखा है इसने, मॉडुलस x, और इंटरवल क्या है, -1 to 1, ओके। कोशिश करो आप ग्राफ बनाने की, अगर किसी भी फंक्शन का आपको ग्राफ अच्छे से आ गया तो ये मान लो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे आपको जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स है मोड के अंदर। तो ये कहाँ पे ब्रेक हो सकता है, ये जो चैप्टर हमने किया था कौन सा, चैप्टर 6 एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जो आपकी बुक है उसका, डिफरेंसिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, है ना। तो उसमें जो मॉडुलस फंक्शन आए थे तो उनको मैंने ब्रेक किया था दो फंक्शन में, कैसे, जो मोड के अंदर उसको जीरो के इक्वल करके। तो इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, तो जीरो पे इसकी पीक बनेगी। तो जीरो कहाँ पे है, एक्स जीरो, यहाँ पे एक्स जीरो लोगे तो एफ एक्स यानी वाई वो भी जीरो आ रहा है, तो जीरो कोमा जीरो तो यही है ना। तो यहाँ पे आपको पीक फॉर्मेशन मिलेगी, यानी ऐसे आएगा वी शेप में और ऐसे जाएगा, ठीक है।
तो ये किसका ग्राफ है, ये मोडलस एक्स का ग्राफ है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप इंटरवल कौन सा है, माइनस वन टू वन, सपोज यहाँ पे माइनस वन है इस इंटरवल में और ये प्लस वन है, ये पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये सब फंक्शन है, ये कंटिन्यूस तो है, फंक्शन कंटिन्यूस तो है, लेकिन यहाँ पे पीक फॉर्मेशन आ रही है जीरो पे, तो जीरो पे ये डिफ्रेंसिबल नहीं है और जो जीरो है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है लेकिन डिफ्रेंसिबल नहीं है, अगर डिफ्रेंसिबल नहीं है तो सेकंड केस सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है वो इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, तो आपको लिखना कैसे होगा, एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स, मॉडुलस एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन, बट इट इज नॉट डिफरेंसिबल ऑन ओपन इंटरवल ये भी लिख सकते हो, लेकिन फिक्स पॉइंट आपको मिल गया, ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन ना लिखो तो भी चलेगा अगर आपने जीरो लिख दिया तो, क्यों, सो पीक फॉर्मेशन है वो जीरो पे आ रही है, तो ये जीरो पे डिफरेंसिबल नहीं है, ठीक है। तो जीरो पे डिफरेंसिबल नहीं है और जीरो इस इंटरवल में आ रहा है, इसका मतलब इस इंटरवल में ये डिफरेंसिबल नहीं है, और पॉइंट की बात की जाए तो जीरो पर ये डिफरेंसिबल नहीं होगा, और अगर सेकंड केस सेटिस्फाई नहीं हुआ, डिफरेंसिबल नहीं हुआ, तो इसके लिए जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, नॉट एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो भी एक मॉडुलस फंक्शन है, तो इसमें भी आप अनुमान लगा सकते हो पीक फॉर्मेशन आएगी, लेकिन आएगी किस पे, क्या आप जज कर सकते हो, वो माइनस टू पे आएगी, जो मोड के अंदर है ना उसको जीरो के इक्वल कर दो, तो वहां से एक्स फाइंड कर लो, क्या आएगा, माइनस टू, ठीक है। तो माइनस टू और माइनस टू पुट करोगे तो वाई भी जीरो आएगा, ठीक है, यानी माइनस टू पे एक्स इक्वल माइनस टू पे पीक फॉर्मेशन बनेगी। वो कैसे इसका ग्राफ आएगा वो मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ ग्राफ में, ग्राफिकली ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, और ये मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है माइनस टू यहाँ पे, ठीक है, माइनस टू पे वी शेप बनाएगा, ये ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। ओके, ये जो भी पॉइंट है कुछ भी हो सकते हैं, आप वन टू थ्री ऐसे टेबल बना के पुट करोगे ना तो एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगा इस लाइन की और इस लाइन की, ठीक है, लेकिन मेरे को तो पीक फॉर्मेशन चाहिए, और वो पीक फॉर्मेशन कहाँ पे आ रही है, माइनस टू पे आ रही है, माइनस टू कोमा जीरो, ठीक है, इस पे कॉर्नर बन रहा है ना, पीक फॉर्मेशन बोले तो कॉर्नर, तो यहाँ पे कॉर्नर बन गया, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, लेकिन सेकेंड वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगा, फर्स्ट वाले मतलब कंटिन्यूस तो हो जाएगा लेकिन डिफरेंसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पीक फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे, और अगर ये पीक फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही आपके, तो जो डिफरेंसिबिलिटी और कंटिन्यूटी हमने किया था वैसे आप अलग अलग इसको कंटिन्यूस चेक कर लो और डिफरेंसिबल चेक कर लो, किस पे जो आपको इंटरवल देखा है वो माइनस थ्री टू फोर है ना, लेकिन माइनस थ्री टू फोर के बीच में कहीं ना कहीं माइनस टू भी आएगा, तो माइनस टू पे चेक करना आप, इसको जीरो करके फिर वो पॉइंट फाइंड करो जो कि इस इंटरवल में आ रहा है, माइनस थ्री टू फोर में आ रहा है, ठीक है। तो माइनस टू पे आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, तो वो माइनस टू पे डिफरेंसिबल नहीं होगा, माइनस टू पे डिफरेंसिबल नहीं हुआ तो आपको ये सेम प्रोसेस अप्लाई करना है जो आपने सेकंड में किया था, एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स प्लस टू इज कंटिन्यूस ऑन माइनस थ्री टू फोर, ये इंटरवल क्या है, इस वाला माइनस थ्री टू फोर, बट इट इज नॉट डिफरेंसिबल ऑन माइनस थ्री टू फोर, या फिर नॉट डिफरेंसिबल ऑन एक्स इक्वल किस पॉइंट पर, माइनस टू पर, ठीक है, तो ये डिफरेंसिबल नहीं होगा सेकंड वाला, तो डिफरेंसिबल नहीं है, तो ये जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है ये भी एप्लीकेबल नहीं होगी इस फंक्शन के लिए, ठीक है। अब जो फोर्थ है उसको देखते हैं, फोर्थ में आपको एक ही फंक्शन को दो फंक्शन की फॉर्म में चेंज करके दे रखा है, ठीक है, लेकिन एक्स की अलग अलग वैल्यू के साथ, आप देख रहे होंगे अगर एक्स की वैल्यू वन या वन से कम है, छोटी है, तो आपको वन प्लस थ्री एक्स फंक्शन लेना है, और उससे बड़ी है तो नीचे वाला लेना है। तो सबसे पहले दो फंक्शन अलग अलग दे रखे हैं तो इनकी कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी चेक कर लो, जो आपको इंटरवल दे रखा है उस पे, जीरो टू थ्री है, लेकिन ये फंक्शन किस पे ब्रेक हो रहा है, वन पे ब्रेक हो रहा है ना, आप देख रहे होंगे वन से छोटा या वन से बड़ा हो तो अलग फंक्शन है, सॉरी वन से छोटा है वन की इक्वल हो तो अलग फंक्शन दे रखा है, वन से बड़ा हो तो अलग फंक्शन दे रखा है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ पहले,
आपको एफ एक्स की अदरक है, वन प्लस थ्री एक्स कब, जब एक्स या तो वन हो या लेस देन वन हो, और टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन हो जाएगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन वन हो। ठीक है, तो पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूँ किस पे, वन पे, क्योंकि जो इंटरवल आपको दे रखा है वो क्या है, जीरो टू थ्री, और जीरो टू थ्री पे ही वन बिलोंग कर रहे हैं ना, वन इसी इंटरवल से आया है। अच्छा, तो वन पे आपको चेक करना है, क्योंकि वन पे ये फंक्शन अलग अलग चेंज हो रहा है। एट एक्स इक्वल वन चेक कैसे करते हैं, जैसे सिक्स चैप्टर में आपने किया था, एक्स इक्वल वन पर कंटिन्यूटी चेक करते इसकी है ना, एल एच एल और आर एच एल, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कौन सी पॉजिटिव या नेगेटिव, लेफ्ट हैंड है, नेगेटिव आएगी, एफ जीरो माइनस, सॉरी जीरो नहीं, ए, ए क्या है यहाँ पे, वन है ना, तो वन पे चेक कर रहे हैं, तो वन माइनस एच और वन प्लस एच करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा जीरो के बजाय वन, वन माइनस एच, वन माइनस एच बोले तो एक से छोटा, अब एक से छोटा कौन सा है, ऊपर वाला फंक्शन है, तो ऊपर वाले फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन माइनस एच पुट कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, वन प्लस थ्री इंटू वन माइनस एच, जहाँ पे एच है वहाँ पे जीरो पुट कर दो, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, वन प्लस थ्री, वन माइनस जीरो वन, थ्री इंटू वन थ्री, क्या आया, फोर आया। अब आर एच एल चेक करो इसी पॉइंट पर, किस पर, एक्स इक्वल वन पर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, एफ वन प्लस एच, वन पर चेक कर रहे हैं ना, तो वन प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, वन प्लस एच मतलब मोर देन वन, एक से बड़ा, ये वाला फंक्शन, तो इसमें जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन प्लस एच पुट करो, टू इंटू एक्स स्क्वायर यानी वन प्लस एच होल स्क्वायर प्लस सेवन, अब जहाँ पे एच है वहाँ पे जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, वन स्क्वायर वन, वन इंटू टू, टू टू प्लस सेवन, ये तो नाइन आया। एल एच एल आर एच एल ही अलग हैं, तो फंक्शन की वैल्यू तो अभी हमने चेक ही नहीं किए, और होना क्या चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू यानी एफ वन, तीनों सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, तो एक्स इक्वल वन जो कि इस इंटरवल में आ रहा है उस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो जो लाग्रंज मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी इस फंक्शन के लिए। तो लिखना क्या होगा आपको, ये लिखना होगा हेयर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल वन। ओके, तो लाग्रंज मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल है यहां पे। ओके, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को। क्वेश्चन नंबर फोर, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन बाई एक्स, और इंटरवल आपके सामने है वन टू थ्री। तो ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि एक्स राइज टू पावर माइनस वन मिल रही है आपको ना, तो इसको आपको कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी इसकी चेक करनी होगी, और वो आप चैप्टर सिक्स में करके आए हैं। ठीक है, एल एच एल और आर एच एल आप चेक करोगे तो इसकी एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी इस इंटरवल पे। ठीक है, किसी भी पॉइंट ए पे, अगर मान लो इसके बीच में कोई एक पॉइंट ए ले रहे हो तो उस ए इंटरवल पर फंक्शन की वैल्यू और एल एच एल आर एच एल दोनों सेम आएंगी, मतलब ये कंटिन्यूस होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है उसको लिख रहा हूँ, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल वन टू थ्री। ओके, अब बी चेक करते हैं। देखो, डिफ्रेंसिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, जैसे कि हमने रोल्स थ्योरम में पढ़ा था, तो वही प्रोसेस में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। एफ डैश एक्स फाइंड कर लो, वो क्या आएगा, वन, और इसका क्या आएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस इंटरवल में जो आपको इंटरवल रखा है इसमें क्या ये नो डिफाइन आ रहा है, नहीं आ रहा, जीरो पे आ रहा है ना, अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हो यहाँ पे तो ये नो डिफाइन बढ़ रहा है, लेकिन जीरो तो इस इंटरवल में है ही नहीं, इसका मतलब वन टू थ्री के लिए ये डिफरेंसिबल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज या एफ एक्स इज डिफरेंसिबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। यहां पे ए टू बी का मतलब क्या है, जो आपको इंटरवल रखे है वो लिखो, वन टू थ्री, वन टू थ्री। ओके, अब ये एप्लीकेबल तो हो गया, ठीक है, लेकिन हमको तो वेरीफाई करना है, यानी सी की वैल्यू इस इंटरवल में आनी चाहिए, ओपन इंटरवल वन टू थ्री में।
तो आपको x इक्वल सी इस तरीके से लेना होगा जो कि इस इंटरवल में बिलोंग करे, 1 2 3 में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास एफ डैश सी आ चुका है एक तरीके से, 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर, एफ डैश एक्स है ना ये, तो एफ डैश सी क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल एफ बी, बी क्या है यहाँ पे 3 है ना, तो 3 पुट करो फंक्शन में, 3 प्लस 1 बाई 3, 3 प्लस 1 बाई 3। माइनस एफ ए 1 पुट करो, 1 प्लस 1 2, तो -2 हो जाएगा ये, और नीचे बी माइनस ए 3 माइनस 1 2, इसी को मैं सोल्व कर रहा हूँ, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 बाई 3 4 बाई 3, और अपॉन 2 करोगे तो 4 बाई 6 आएगा, सोल्व करो 2 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल 1 बाई सी स्क्वायर। इस 2 बाई 3 को मैंने LHS में कन्वर्ट, LHS में ट्रांसफर किया, तो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 3 मिलेगा, यानी 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल 1 बाई 3। तो सी स्क्वायर क्या है, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो 3, तो सी क्या आएगा, ±√3 है ना। लेकिन हमको कौन सी वैल्यू लेनी है, दोनों ले या प्लस की ले या माइनस की ले, वो डिपेंड करता है इंटरवल पे। अगर यहाँ पे सी की वैल्यू 2 आ रही है, ±√3, सी इक्वल ±√3, तो -√3 तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसको तो नेगलेक्ट करो। ठीक है, तो -3 को आपको सी की वैल्यू फिर कौन सी लेनी होगी, √3। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको फंक्शन दे रखा है √25 − x² और इंटरवल दे रखा है आपको -3 to 4। तो इस इंटरवल में आप देख रहे होंगे -3 to 4 में ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, कहीं भी नो डिफाइन नहीं बन रहा और ना ही ऐसा कुछ नंबर आएगा जो कि इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो इस इंटरवल के लिए ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस हो गया, तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -3 to 4। अब जो इसकी सेकेंड कंडीशन है उसको देखते हैं, वो क्या, डिफ्रेंसिबिलिटी। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी एफ डैश एक्स फाइंड कर लो, इसका क्या आएगा, 1 अपॉन 2√25 − x². अब अंदर वाले का करोगे तो ये तो 0, इसका क्या आएगा, -2x, वो 2 इससे कैंसिल हो गया नीचे वाले से, क्या बचा, -x√25 − x². अब ये चेक करो, ये कहीं नो डिफाइन हो रहा है क्या, ये फंक्शन इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल √25 − x² ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस, सॉरी डिफरेंसिबल है। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंसिबल ऑन ओपन इंटरवल -3 to 4। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो आपको एक पॉइंट सी लेना होगा जो कि ओपन इंटरवल ए टू बी यानी -3 to 4 में बिलोंग करेगा। ठीक है, -3 to 4, सच दैट किस तरीके से जो एफ डैश सी है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल आए। ठीक है, तो एफ डैश सी जहां पे एक्स वहां पे सी पुट कर दो, -C√25 − c² इक्वल एफ बी, बी क्या है यहां पे 4 है, 4 पुट करेंगे फंक्शन में तो क्या मिलेगा, एक्स के बदले 4 पुट करो 16 25 − 16 9 यानी 3, माइनस एफ ए -3 पुट करने पे क्या मिलेगा 9, माइनस करोगे 16 √16 यानी 4 अपॉन बी माइनस ए, 4 − −3 7 हो गया। ठीक है, ऊपर क्या आया, -1 अपॉन, नीचे 7 है। ठीक है, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 से इक्वल 25 − c² रूट के अंदर है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो इसका रूट हट जाएगा, 49 c² इक्वल 25 − c², ये इधर आया प्लस हो गया, 50 c² इक्वल 25, तो सी क्या आया, फाइनली सी हमको मिल गया +/-1 अपॉन √2।
क्योंकि 25 अपॉन 50 करोगे 1/2 मिलेगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट होएगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है क्या, प्लस 1 अपॉन रूट 2 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और इसको करोगे तो माइनस 1 के बीच आएगा, 0 और माइनस 1 के बीच, जो कि इस इंटरवल में आ रही है, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या होगी फिर, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, इसमें आपको फंक्शन दे रखा है 1/4x-1 और इंटरवल आपको दे रखा है 1 to 4। तो जो फर्स्ट केस है इसका, वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, फर्स्ट कंडीशन वो क्या थी, कंटिन्यूटी वाली है ना, कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन इस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखता हूँ। डायरेक्ट वैल्यू पुट कैसे करते हैं, तो आप पे ये देखो कि ये नो डिफाइन कब होगा, जब अपॉन में जीरो मिलेगा, है ना, 1/0 तो नो डिफाइन होगा। और नीचे जीरो कब आएगा, इसको जीरो के इक्वल करके देखो, एक्स इक्वल 1/4 पे, है ना। जैसे ही यहाँ पे आप इक्वल जीरो करोगे रफली और एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1/4 आ रही है, यानी 1/4 अगर एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में मिलती है आपको तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन 1/4 तो इसमें नहीं है, 1/4 मतलब 0.25 तो इसमें नहीं है, मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4, ओके। अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है बी, वो चेक करते हैं, वो क्या थी, डिफरेंसिबिलिटी। तो करोगे कैसे, एफ डैश एक्स फाइंड कर लो आप, एफ डैश एक्स कैसे फाइंड करोगे आप इसको, या तो यू बाई वी से कर लो, या फिर 4x-1 raised to power -1 कर दो, और फिर x raised to power n फॉर्मूले से कर लो। तो आएगा क्या, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4x का 4 आ जाएगा, 1 का 0 हो गया, ऊपर 4 आ गया और नीचे माइनस भी आएगा, और 4x-1 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये चेक करो कि इस इंटरवल में ये नो डिफाइन दे रहा है क्या, मतलब नीचे जीरो आ रही क्या, नीचे जीरो कब, वही 1/4 पे, 1/4 तो इस इंटरवल से बाहर है, इसका मतलब ये डिफरेंसिबल भी है। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफरेंसिबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 0 नहीं, जो आपको इंटरवल रखा है वो देखो, इंटरवल है 1 to 4, ओपन इंटरवल 1 to 4, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, मतलब लाग्रांज जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल है। अच्छा, लेकिन अब आपको एक पॉइंट सी फाइंड करना है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो एफ डे सी है वो क्या हो, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और यहाँ पे जो सी लिया है वो कहाँ से है, ओपन इंटरवल 1 to 4 से है, ओके। तो एफ डैश सी मिल चुका आपको, जहां पे x है एफ डैश x, जहां पे x है वहां पे सी पुट कर दो, यानी -4 upon 4c-1 whole square इक्वल एफ बी, बी क्या है 4 है तो 4 पुट करो इसमें, 4 4 16-1 15, यानी 1 upon 15 माइनस एफ ए, एफ ए क्या है 1 है ना, तो 1 upon 4-1 3 1/3 अपॉन बी माइनस ए, 4-1 3। न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ रहा है, इस वाली ये जो दोनों फ्रैक्शन है इनमें एलसीएम क्या है, 15 है, तो आपको मिलेगा 1-15, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 45, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 15 1 minus 3 5, ओके, यानी -4 upon 45। माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 1 ये भी 4 1 दोनों में 1 आ चुका है। अब रेसिप्रोकल कर लो बोथ साइड, यानी 4c-1 whole square = 45। तो मैंने लिखा 4c-1 = √45, ओके, 4c = 1+ हो गया, और प्लस √45 क्या होता है, 9 × 5, यानी 3√5। अब यहाँ से c फाइंड करो, तो c क्या आएगा, 1+3√5/4, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये इस इंटरवल में आ रही है क्या, चेक कर लो एक बार, रूट फाइव 2 point something into 3, 6.8 or 9 के आसपास आएगा ये, ठीक है, 6.8 लेट करके चलो, 6.8 + 1 7.8 upon 4, कितना 1 point something, एक से बड़ा, जो कि इस इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। तो C की इस वैल्यू के लिए LMVT वेरीफाई हो रही है, ठीक है। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है उसको देखते हैं।
यहां पे आपको फंक्शन दे रखा है फोर्थ में एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन राइज टू पावर 2/3 और इंटरवल क्या है 1 to 2। ओके, तो जब LHL RHL आप चेक करोगे तो ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस आएगा और फंक्शन की वैल्यू भी सेम आएगी LHL RHL के, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे, यहाँ पे ये नो डिफाइन तो बन ही नहीं रहा, तो डायरेक्ट क्या सीधा ही लिख दो आपको, ठीक है। तो इसको क्या लिखें, फर्स्ट केस इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन गिवन इंटरवल कौन सा, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या थी, डिफरेंसिबिलिटी की, तो आप डिफरेंशिएट कर दो इसको, एफ डैश एक्स फाइंड कर लो, क्या आएगा 2/3 आगे आएगी और x माइनस वन राइज टू पावर 1 लेस कर दो यानी -1/3, ठीक है। अच्छा, अब ओपन इंटरवल में ये नो डिफाइन वगैरह ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और अगर आप इसको ग्राफिकली देखोगे तो कहीं भी पीक फॉर्मेशन नहीं आएगी, तो ये डिफरेंसिबल होगा, ठीक है। तो क्या लिखें, एफ एक्स इज डिफरेंसिबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to 2, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, मतलब LMVT एप्लीकेबल है। तो अब आपको एक पॉइंट सी इस तरीके से लेना होगा जो कि ओपन इंटरवल 1 to 2 में बिलोंग करे, सच दैट एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाए, ठीक है। तो बी माइनस ए एफ डैश सी 2/3 सी माइनस वन राइज टू पावर -1/3 2/3 सी माइनस वन राइज टू पावर -1/3 इक्वल एफ बी, बी क्या यहां पे 2 है ना, तो 2 पुट करो, 2 - 1 1 राइज टू पावर एनी नंबर 1 माइनस एफ ए, ए क्या 1 है तो 1 - 1 0 और नीचे बी माइनस ए 2 - 1 1 यानी RHS में आपको 1 मिला है, ठीक है। तो c माइनस 1 राइज टू पावर -1/3 इक्वल 3/2, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगी, यानी c माइनस 1 राइज टू पावर 1/3 पॉजिटिव कब, जब इसका मैंने रेसिप्रोकल किया तब, c माइनस 1 इक्वल एक्सपोनेंट हटाओ, तो इस एक्सपोनेंट को इधर ट्रांसफर करोगे तो इस एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 3 बन जाएगी, तो इसकी क्यूब कर दो यानी 8/27 ओके। सी फाइंड करो अब 8/27 ये -1 इधर आएगा तो +1 एलसीएम लेके सोल्व करो 27 + 8 = 35 तो सी की वैल्यू क्या आ रही है 35/27। अब ये चेक करो 35/27 इस इंटरवल में है क्या, डिवाइड करके देखोगे तो 1 point something आएगा जो कि इस इंटरवल में आ रहा है ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो इसके लिए भी LMVT वेरीफाई हो चुकी है, क्यों, क्योंकि जो सी की वैल्यू है वो ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रही है, किस इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।